हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल लाइफ एक्स। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लाइफ एक्स पर हार्दिक स्वागत है। आज हम लाइफ एक्स में आपके लिए लेकर आए हैं एक अहम जानकारी जिसके बारे में आपको जरूर जानना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि हमें शरीर में होने वाले छोटे मोटे दर्द को कभी भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, वरना ये बाद में किसी बड़ी बीमारी का रूप धारण कर सकते हैं। तो चलिए इसके बारे में विस्तार पूर्वक बात करते हैं। दोस्तों, अक्सर हमारे शरीर में दर्द की समस्या सामने आती है, लेकिन हम सभी इस दर्द को नजरअंदाज कर जाते हैं, जिसका नतीजा बाद में किसी बड़ी बीमारी के तौर पर सामने आता है। अगर आप भी बाद में किसी बड़ी बीमारी का सामना नहीं करना चाहते हैं, तो आप अभी से इन छोटे मोटे दर्द को नजरअंदाज करना बंद कर दें। आइए आपको बताते हैं कि आपको किस तरह की परेशानियों को कभी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। नंबर एक, सिर दर्द। दोस्तों, सिर दर्द, गर्दन दर्द या पीठ दर्द, ये सब एन्यूरिज्म का कारण है। अगर आपके सिर में भी तेजी से दर्द हो रहा हो और आपको हाथों पैरों में भी कमजोरी महसूस हो रही हो या फिर आपकी याददाश्त कमजोर हो रही हो, तो ऐसे में यह मान लें कि आपको ब्रेन स्ट्रोक की परेशानी हो सकती है। तो इसीलिए अगर आपके सिर में तेज दर्द हो तो आप इसे कभी भी नजरअंदाज ना करें और तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। नंबर दो, सीने में दर्द। दोस्तों, अगर छींकते या खांसते समय आपके सीने में तेजी से दर्द हो रहा हो, तो ऐसे में यह जान लें कि यह सीने में इन्फेक्शन के कारण हो रहा है। इसी के साथ अगर आपके सीने के बाएं तरफ या फेफड़ों के नीचे दर्द होना शुरू हो जाए, तो यह दिल की बीमारी का संकेत होता है। छाती में चुभन या दर्द हो या फिर आपको किसी भी तरह की जलन महसूस हो, तो ऐसे में आपको एसिड की समस्या हो सकती है। तो ऐसे हालातों में आपको डॉक्टर से संपर्क जरूर करना चाहिए। नंबर तीन, पेट दर्द। दोस्तों, अगर खाना खाने के तुरंत बाद आपके पेट में दर्द या किसी तरह की जलन होने लग जाए, तो ऐसे में हो सकता है कि आप अल्सर के शिकार हो गए हैं। इसी के साथ पेट के ऊपरी भाग में दाएं तरफ अगर अचानक दर्द होने लग जाए, तो आपके पेट में पथरी की शिकायत भी हो सकती है। तो दोस्तों, अगर आप भी कुछ ऐसा ही अनुभव कर रहे हैं, तो आपको तुरंत इसका इलाज करवाना चाहिए। नंबर चार, पैरों का दर्द। अगर आपके पैरों में झनझनाहट हो या आपकी उंगलियां सुन्न हो जाएं, तो इसे नजरअंदाज ना करें। यह साइटिका के लक्षण भी हो सकते हैं। इसी के साथ अगर आपके जोड़ों में चुभने जैसा दर्द हो, तो ऐसे में आपको गठिया की शिकायत भी हो सकती है, और इन हालातों को नजरअंदाज करना आपके लिए महंगा साबित हो सकता है। नंबर पाँच, हाथों का दर्द। दोस्तों, उंगलियों और हाथों के जोड़ों में अगर ज्यादा दर्द हो, तो ऐसे में आपको आर्थराइटिस हो सकता है। इसी के साथ अगर आपके पैर या हाथ के अंगूठे में तेज दर्द हो, तो ऐसे में आपको डेक्वेरवेंस टेंडनाइटिस भी हो सकता है। तो इसीलिए इन हालातों को आप नजरअंदाज ना करें और तुरंत डॉक्टर से संपर्क कर इसका इलाज करवाएं। तो दोस्तों, ये है हमारा आज का खास टॉपिक, जिसमें हमने आपको बताया कि अगर आप शरीर में होने वाले छोटे मोटे दर्द को नज़रअंदाज करेंगे, तो ये आपको काफ़ी महंगा पड़ सकता है, क्योंकि इसका नतीजा बाद में किसी बड़ी बीमारी के तौर पर सामने आता है। तो दोस्तों, अगर आप भी अपने शरीर में होने वाले छोटे मोटे दर्द के शिकार हैं और इन्हें नज़रअंदाज कर रहे हैं, तो आपको ऐसा करना तुरंत बंद कर देना चाहिए और इस हालत में अपने डॉक्टर से संपर्क कर इसका तुरंत इलाज करवाना चाहिए और खुद को स्वस्थ और तंदुरुस्त बनाए रखें। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो फायदेमंद लगे, तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों से जरूर शेयर करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस जानकारी को पहुँचाएँ। लाइक एंड कमेंट करके अपना फीडबैक भी दें और हमारे चैनल लाइफ एक्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कीप शेयरिंग एंड कीप सपोर्टिंग अस। हम आपको जल्दी मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।